मेयर श्री, कॉर्पोरेशन आगेवानो, तालुका पंचायत जिला पंचायत आगेवानो, अने विशाल संख्या में पधारेल लोमोड़ा पड़िया। नौजवान मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी ने 150वीं जयंती आ वर्ष है। आ देश में आजे पण स्वामी विवेकानंद नु नाम लेता ज, प्लीज मित्रों, तमने मजाक मस्ती माटे क्लासरूम में टाइम मळशे, प्लीज मने हेल्प करो। थैंक यू दोस्तों। एक सौ पचास वर्ष पहला बंगाल की भूमि पर धर जन्मे एक नरेंद्र, एने दुनिया की अंदर एक चमत्कार कर्यो। समग्र विश्व, भाई कैमरामैन प्लीज, प्रजा जोड़े शू क्या झगड़ो करवानो आपणे? मित्रों, तुम्हारा कैमरा गोटवाई गया तो बेसो, और स्टील कैमरा वाला अंदर आवो तो आ जाओ, स्टील कैमरा वाला अंदर आ जाओ तो आ जाओ। शाबाश, आओ दोस्तों, आओ आओ, जल्दी करो, हजू अंदर आ जाओ। आपना संतोष में हमारो संतोष रहेलो छे। मित्रों, आखी दुनिया 9/11 की चर्चा करे छे। आखी दुनिया की नजरों में 11 सप्टेम्बर की घटना अंकायेली पड़ी है, अने 9/11 की घटना अंकायेली पड़ी एनु कारण ए छे कि 2001 नी साल में 21वीं सदी प्रारंभ में बिन लादेन ने अमेरिका पर हुमलो करीने त्याना निर्दोष नागरिकों ने मौत ने घाट उतारा था। परंतु आज थी लगभग 125 वर्ष पहला अमेरिका की धरती पर 1893 11 सप्टेम्बरे हिंदुस्तान नो एक 22-25 वर्ष नो नौजवान, भगवा कपड़ाधारी नौजवान जरा अमेरिका की धरती पर गयो तरह एनो पहरवेश जोईने दुनिया ने कौतुक थतु हतु, लोकोने अचरज थतु हतु। अने एने शिकागो नी धरती पर जईने विश्व धर्म परिषद ने संबोधन कर्यु, अने भावनगर जिल्लाना लोको गर्व ले कि भावनगर जिल्लाना महुवाना एक गांधी ए पण ए धर्म परिषद में मौजूद हता। अने बिरचंद भाई गांधी ऊपर एक पुस्तक पण लखाणु छे, अमारा मणिनगरना एक स्नेहीए लख्यु छे, गांधी बिफोर गांधी। आ भावनगर गौरव लेवी घटना छे, अने ए धर्म परिषद में हिंदुस्तान नो 22-25 वर्ष नो नौजवान, एटले तमे कल्पना करी शको छो कि तमारी उम्र अने ए वक्ते विवेकानंद नी उम्र केटली पासे हशे।
आप पोतानी जातने जोड़ीने विचार करो कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म परिषद में दुनिया ना दिग्गज लोगों की सामे भारत में एक नौजवान सन्यासी जे भारत दुनिया भारत ने उपेक्षा करतो तो एक गुलाम भारत का प्रतिनिधि हता, दुनिया आखी भारत तरफ नफरत थी जोती हती, एवा वातावरण में आ देश नो 22-25 वर्ष में एक सन्यासी उभो थईने एम के ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका अना वाक्य सांभळता ज आ धर्म परिषद नी अंदर तालीओनो गड़गड़ाट थयो। मिनिटो सुधी तालीओनो गड़गड़ाट बंद न थयो। अने जे व्यक्ति ने समय आपवा विश्व धर्म परिषद तैयार नहोती ए आ साधु ने सांभळवा माटे आतुर बनी गई। आखी दुनिया में बंधुता भाईचारा नो संदेश आप्यो। अगर जो अमेरिकाए अगर जो दुनियाए 1893 सप्टेम्बर ना स्वामी विवेकानंद संदेश ने जीलो होत जीवी जाण्यो होत तो हूँ विश्वास थी कहू छू कि 2001 ना 11 सप्टेम्बरे बनेली आ दुर्घटना न बनी होत, आ भयंकर आतंकनी घटना न बनी होत, भाईचारा नु वातावरण दुनिया ने पकड़व पड़ू होत। आवी जे महापुरुष में क्षमता थी, जे महापुरुषे स्वप्न जोयू हतो कि हूँ मारी भारत माता ने जगतगुरु ना स्थाने विराजमान थयेली जोऊ छु, मारी भारत माता ने विश्व गुरु ना स्थाने विराजमान जोऊ छु। अने हमने कहू तो मने 100 युवक आपो, हूँ दुनिया ने बदली बतावीश। युवकों माटे केटलो बधो भरोसो हतो ए एमना एक वाक्य माथी प्रतिबिंबित थाय छे। भाईओ बहनों, कम नसीबे स्वामी विवेकानंद जी नू सपनो जो अधूरू छे। सो 150मी जयंती उजवता होइए त्यारे स्वामी विवेकानंद ना ए सपना पूरो करवानो संकल्प आज नी युवा पेढ़ी लई सके? सो जगतगुरु स्वामी विवेकानंद जे भारत माता ने जगतगुरु बनावा मांगता हता, जे काम आज 150मी जयंती उजवी है त्यारे बड़ा दूर हो त्यारे हिंदुस्तान ने नेतृत्व करे कि न करे, गुजरात ने युवा शक्ति आ करी सके एम छे एवो मारो विश्वास है दोस्तों। भाइयों बहनों, दुनिया में हिंदुस्तान आज सौथी युवान देश है। आखू वृद्ध विश्व वृद्धत्व तरफ आगल वधी रह्यु छे, एकमात्र भारत देश एवो छे जे युवानी तरफ आगल वधी रह्यु छे। 65% जनसंख्या आ देश नी 35 वर्ष करता नीचे नी उम्र नी छे। तमारा माथी कोई ने यूरोप जवानो अवसर मळ्यो होय अथवा टीवी पर तमे यूरोप ना दृश्य जुओ या इंटरनेट पर थी यूरोप ना दृश्य शोधी काढो तो तमे जोजो बस में ट्रेन में रस्ता में जता आवता वृद्ध लोगों नी वणझार होय। कोई युवक ने जोवो होय तो तमारे राह जोई पड़े कि आटला बधा वृद्धो जाए क्या युवक देखाय छे? आटलू बधु वृद्धत्वनु वातावरण छे। एकमात्र हिंदुस्तान एवुं छे कि जेना 65% लोको 35 थी नीचे नी उम्रना छे। जो हिंदुस्तान ना 2-5 हजार युवको अमेरिका नी अंदर जाए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कम्प्यूटर नी दुनिया में पग मूके अने समग्र विश्व ने चकित करी देता होय, समग्र विश्व ने घेलू लगाड़ता होय तो भाइयों बहनों आमारो गुजरात नो युवान दुनिया में नवा पराक्रमो केम न करी बतावे, ये सपना साकार करवानो वक्त आवी गयो छे। मित्रों, युवान जे होय छे जेनामां सपना जोवानो सामर्थ्य होय छे अने सपना साकार करवा माटे जात खपावी देवानी तैयारी होय छे। देश ने आवश्यकता छे नौजवाना उज्जवल सपना जोता था है। देश ने आवश्यकता छे नौजवानों सपना ने साकार करवा माटे जिंदगी खपावा माटे कोशिश करता होय। हमणा ओलिम्पिक नी रमतो थई, आवडो मोटो देश 3 के 4
માણ પદક લઈને પાછો આવે અને જ્યારે પદક લઈને પાછો આવે ત્યારે દેશ એકબીજાને ટીકા કરે કે દેશની આબરૂ જાય છે, ઢીકણું જાય છે, ફલાણું જાય છે, છાપાવાળા આલોચના કરે, ટીવીવાળા આલોચના કરે, નેતાઓ આલોચના કરે, આ બધું એની જગ્યાએ હશે હશે. ભાઈઓ બહેનો, ક્યાંથી તો શરૂઆત કરવી જોઈએ, ક્યાંથી તો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. શા માટે ભારત રમત ગમતના ક્ષેત્રે પોતાનું યોગદાન ન કરે? સ્વામી વિવેકાનંદનું સપનું હતું, એમને યુવકોએ પૂછ્યું હતું કે અમારે યોગ સાધના કરવી હોય, પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવો હોય તો શું કરવું જોઈએ? ત્યારે સ્વામી વિવેકાનંદે કહ્યું હતું, તમારે કશું કરવાની જરૂર નથી, જાઓ ફૂટબોલ રમો, ફૂટબોલ રમો, પરમાત્મા આપોઆપ મળી જશે. સ્વામી વિવેકાનંદે ફૂટબોલ રમવાનું કહ્યું હતું. આપણે ફૂટબોલ ન રમીએ, ભલે ક્રિકેટ રમીએ, વોલીબોલ રમીએ, રમીએ તો ખરા, આખો દાડો ટીવી સામે બેસી રહ્યા હોઈએ તો જિંદગી કેવી થઈ જશે? ભાઈઓ બહેનો, આપણે ખેલ મહાકુંભનું એક અભિયાન ચલાવ્યું, 18 લાખ યુવકોને મેદાનમાં રમતમાં ઉતાર્યા, ગુજરાતના 18,000 ગામોમાં ખેલકૂદની સ્પર્ધાઓ કરી, શાળામાં ખેલનું ચરિત્ર ઉભું કરવાની કોશિશ કરી. મારો સ્પષ્ટ મત છે ભાઈઓ, સમાજ જીવન સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ વગર ચાલી ન શકે, પરિવાર પણ સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ વગર ચાલી ન શકે. પરંતુ કુટુંબ હોય કે સમાજ હોય, સંગઠન હોય કે રાજકીય પક્ષો હોય, જો સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ લાવવું હશે તો સ્પોર્ટ્સ વિના સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ પણ ના આવે. આ સ્પોર્ટ્સને બઢાવો મળવો જોઈએ અને એને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્ય સરકારે સ્વામી વિવેકાનંદજીની 150મી જયંતિને યુવા શક્તિ વર્ષ તરીકે ઉજવવાનું નક્કી કર્યું છે. અને યુવા શક્તિ વર્ષ તરીકે ઉજવવાની આ સ્વામી વિવેકાનંદજીની જયંતિને ગુજરાતના 13,000 ગામોમાં વિવેકાનંદ કેન્દ્રો ઉભા કરવા અને આ વિવેકાનંદ કેન્દ્રો દ્વારા નવજવાનોને રમત ગમત માટે પ્રોત્સાહિત કરવા અને ગુજરાતની આ બધી જ વિવેકાનંદ કેન્દ્રની ટીમોને આ યુવા પરિષદોમાં હું બોલાવીને ક્રિકેટની કીટ અને વોલીબોલની કીટ આપવાનો છું. ગામો ગામ જુવાન પેઢી ખેલકૂદના મેદાનમાં ઉતરે અને ધીરે ધીરે એમાંથી ખેલ મહાકુંભ બળવત્તર બને, રમતગમતની સ્પર્ધાઓ થાય, યોગ્ય ખેલાડીઓ મેદાનમાં આવતા થાય, જરૂર પડે ત્યાં ટ્રેનિંગની વ્યવસ્થા થાય, એને આપણે બળ આપ્યું છે. ભાઈઓ બહેનો, મેં સપનું જોયું છે અને એટલા માટે એક સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી બનાવવાનો આપણે નિર્ણય કર્યો છે. ગુજરાતની અંદર અલગ સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી, આ સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી કાર્યરત થઈ ગઈ છે. અનેક નવજવાનો છે જેમનામાં સામર્થ્ય છે, ક્યાંકથી તો શરૂઆત કરીએ. અને હમણાં બીજી મેં થોડા દિવસ પહેલા જાહેરાત કરી હતી, આવનારા વર્ષમાં ગુજરાતની અંદર દરેક જિલ્લામાં એક સ્પોર્ટ્સ સ્કૂલ શરૂ કરવામાં આવશે. જે વિદ્યાર્થીઓને રમત ગમતમાં રસ છે એમને નવા સિલેબસ સાથે, હવે એને રમત ગમતમાં રસ હોય, એમને રમત ગમતમાં રસ હોય. કુછ મીડિયા કે મિત્રો કી પ્રાર્થના હૈ કે મેં હિન્દી મેં બોલું. દોસ્તો, ગુજરાત અકેલા પ્રદેશ એસા હૈ જહાં સે સકારાત્મક ખબરે પહોંચતી હૈ. और इसलिए मीडिया वाले भी कहते हैं कि अच्छी खबरों के लिए, सकारात्मक समाचारों के लिए हिंदुस्तान में एकमात्र गुजरात बचा है. आप हिंदी में बोलिए, क्योंकि दिल्ली से जो खबरें आती हैं वो रोने वाली खबरें आती हैं, आंसू बहाने वाली खबरें आती हैं, दिल को दर्द पहुंचाने वाली खबरें आती हैं, निराशा को जन्म देने वाली खबरें आती हैं. अगर गुजरात के प्रयासों से देश के आंसू अगर पहुंचे सकते हैं, गुजरात के प्रयासों से निराशा में डूबे देश को
एक राज्य का कार्य अगर आशा देता है तो उस कर्तव्य को भी निभाने के लिए अगर हिंदी भाषा काम में आती है तो जो प्रार्थना मीडिया के मित्रों ने की है उसको स्वीकार करते हुए मैं आगे की मेरी बात हिंदी भाषा में बताने का प्रयास करूंगा। भाइयों बहनों, हर जिले में एक स्पोर्ट्स स्कूल, ताकि जिस विद्यार्थियों को पढ़ने में रुचि नहीं है, बैठो मित्र बैठो, जिन विद्यार्थियों को पढ़ने में रुचि नहीं है लेकिन कौशल्य है, उनको वो अवसर देते हुए, उनके उस सामर्थ्य का उपयोग करते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम ये स्पोर्ट्स स्कूल में हो, उनका अलग सिलेबस हो और उसमें पढ़ने वाले बच्चों को दसवीं और बारहवीं समकक्ष कैसे पढ़ाया जाए, उनको कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में कैसे भेजा जाए और भारत को उत्तम प्रकार के स्पोर्ट्समैन कैसे मिले, उस दिशा में काम करने का इस स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती पर हमने संकल्प किया है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से खेलकूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता है उसी प्रकार से मेरे नौजवानों को डिग्निटी की भी आवश्यकता है। आज एक फैशन हो गई है, पुराने पीढ़ी के लोग हर दिन नई पीढ़ी को कोसते रहते हैं, ये नौजवान बिगड़ गए हैं, ये नौजवान ऐसे हो गए हैं, ये नौजवान वैसे हो गए हैं, और ये काम आज हो रहा है ऐसा नहीं, सदियों से चल रहा है। जब मैं छोटा था तो मेरे बाप दादा कहते थे नौजवान बिगड़ गए, मैं बड़ा हो गया तो मैं भी नौजवानों को कह रहा हूं बिगड़ गए। भाइयों बहनों, नौजवानों के सामर्थ्य को समझने की आवश्यकता है, नौजवानों की शक्ति को समझने की आवश्यकता है, उनकी डिग्निटी की केयर करने की आवश्यकता है, और इसलिए हमने एक के बाद एक कदम उठाए हैं। एक जमाय था आईटीआई में पढ़ने वाले विद्यार्थी, उन आईटीआई के विद्यार्थियों के प्रति ऐसे नफरत से देखा जाता था, ये आईटीआई ने कुछ नहीं, आईटीआई बेकार, यानी कुछ है ही नहीं ऐसा। भाइयों बहनों, जबकि वो टेक्निकल फील्ड का, मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया का इस सबसे महत्वपूर्ण काम करने वाले आईटीआई के विद्यार्थी रहते हैं, आईटीआई से पढ़कर के निकले हुए रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये आईटीआई को बिल्कुल ऐसा मान लिया है, ये तो बेकार है। भाइयों बहनों, हमने एक बहुत बड़ा फ्रेंड फैसला किया कि आठवीं कक्षा पढ़ करके जो नौजवान आईटीआई कर रहे हैं उन नौजवानों को दसवीं कक्षा के समकक्ष मान लिया जाएगा, जो दसवीं पढ़कर के बाद दो साल आईटीआई करते हैं उनको बारहवीं कक्षा के बराबर मान लिया जाएगा, और जो दसवीं कक्षा तक मान लिया गया वो अपने आप बारहवीं के एग्जाम दे सकता है, जिसको बारहवीं के समकक्ष मान लिया गया वो डिप्लोमा के इंजीनियरिंग में पढ़ाई के लिए जा सकता है, वो डिग्री इंजीनियरिंग में जा सकता है, उसके भविष्य को दरवाजे नहीं लगेंगे, ये निर्णय करना पड़ता है। भाइयों बहनों, कभी कभी कैसी सोच होती है, किसी एक परिवार में एक बच्चा मां बाप के कारण बता दिया तुम आर्ट्स में जाओ, या बच्चे को बता दिया तुम साइंस में जाओ, वो बेचारे को समझ नहीं होती उस समय निर्णय करने की, वो आर्ट्स में दाखिल हो जाता है, साइंस में दाखिल हो जाता है, और एक साल पढ़ने के बाद उसको विचार आता है कि ये मुझे जब मैं एडमिट हुआ हूं इसमें तो मेरी रुचि नहीं, मेरी रुचि तो उस सब्जेक्ट में है, सरकार के नियम कहते हैं कि भाई तुम अब आर्ट्स का पढ़ करके आए हो तुमको बीए होना पड़ेगा, गुजराती लो, अंग्रेजी लो, इतिहास लो, अब तुम और कुछ नहीं कर सकते, ऐसे वॉटर टाइट कंपार्टमेंट थे। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में गुजरात पहला राज्य है, मैंने इन दीवारों को तोड़ दिया है, और बारहवीं कक्षा भले उसने आर्ट्स में पास की हो, कॉमर्स में की हो, लेकिन थोड़े समय के बाद उसको ध्यान में आता है कि वो फिजिक्स में काम कर सकता है,
बायोलॉजी में काम कर सकता है तो वो अपनी धारा बदल करके आराम से उसमें एडमिशन ले सकता है और अपने भाग्य का बना सकता है। ये देश में पहली बार निर्णय हुआ है। नौजवानों के भाग्य को कैसे बदला जा सकता है उस दिशा में हमने प्रयास किया है। भाइयों बहनों, आज जब मैं आपके पास आया हूं, स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती हम मना रहे हैं, तब मैं आपके सामने तीन महत्वपूर्ण घोषणा भी करना चाहता हूं। तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं आपके सामने करना चाहता हूं। एक, भावनगर जिले से सीधे सीधी जुड़ी हुई है। मैं महुआ के लोगों को अभिनंदन करता हूं, सालों से महुआ नगर पालिका के लोग वहां के लोगों की सुखाकारी के लिए एक अस्पताल चलाते थे, बहुत सालों तक चलाया। एक नगर पालिका के लिए अस्पताल चलाना बहुत ही महंगा काम होता है, बड़ा खर्चीला काम होता है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वीएस अस्पताल चलाती है, उनको कितना आर्थिक परेशानियां रहती हैं उससे मैं भलीभांति परिचित हूं। इसलिए महुआ नगर पालिका को काफी बोझ उठाना पड़ता था इस महुआ की अस्पताल चलाने के लिए। महुआ के हमारे सारे साथी मुझे मिलने आए, उन्होंने प्रार्थना की कि साहब, ये 200 बेड की अस्पताल है, लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से हम चला नहीं पाते हैं, क्या गुजरात सरकार इसका जिम्मा उठाने के लिए तैयार है? मैंने कहा, भाई इतने सालों तक आपने इतना पवित्र काम किया है, आज अगर आप मुश्किल में हैं तो मैं राज्य की तरफ से कहता हूं, आज से जिम्मेवारी हम उठाते हैं। भाइयों बहनों, हमने निर्णय किया है कि वो महुआ के अस्पताल को अच्छे ढंग से चलाया जाए, राज्य सरकार उसका जिम्मा उठाएगी। इतना ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की अस्पताल का जो स्टेटस है वो महुआ के अस्पताल को दिया जाएगा, गुजरात गांधीनगर के खजाने से ये महुआ के अस्पताल को चलाया जाएगा। दूसरी घोषणा मैं करना चाहता हूं, भाइयों बहनों, हमने 2001 में आने के बाद शिक्षा की ओर बहुत बल दिया, गांव के अंदर बच्चे स्कूल में दाखिल हुए इसके लिए बल दिया। जब वो काम किया तो गांव के अंदर स्कूल के कमरे बनाने की नौबत आई, 65,000 करीब नए कमरे बनाए, बच्चे बढ़ने लगे, तो फिर बात आई भाई टीचर की भर्ती करो, करीब 1.5 लाख टीचरों की भर्ती की, कमरे बनाए। फिर बात आई कि मध्यान्ह भोजन के लिए तेरा बजट ज्यादा देना पड़ेगा, वो भी दे दिया। उसके बाद बात आई कि इस बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब होनी चाहिए, हमने कंप्यूटर लैब बनाई, ये बच्चे पढ़ने लगे, लेकिन अब वो बच्चे बड़े हुए हैं, 10वीं कक्षा पास होकर के आगे निकले हैं। अब क्या करना, क्या उनकी शिक्षा वहीं रोक दी जाए? भाइयों बहनों, जिन बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए मैंने उंगली पकड़ पकड़ करके गांव गांव घर घर गया हूं, मेरी सरकार गई है, मैं उन बच्चों को असहाय नहीं छोड़ सकता हूं, उनको आगे की शिक्षा की जिम्मेवारी भी मैं लेने के लिए तैयार हूं। और इसलिए ये जो गांव के बच्चे हैं जिनको 2001 में दो में उंगली पकड़ करके हम स्कूल ले गए थे, वो बड़े हुए हैं, अब वो आगे पढ़ना चाहते हैं लेकिन गरीब है, शहर में जाए तो कहां जाए, रहे तो कहां रहे। इन मेरे नौजवान बच्चों के भाग्य को बदलने के लिए भाइयों बहनों एक बहुत बड़ा निर्णय किया है, हम पूरे राज्य में 62 नए हॉस्टल बनाएंगे, 62 नए हॉस्टल, 32,000 नौजवानों को रखने के लिए मैं व्यवस्था खड़ी कर रहा हूं, 32,000 स्टूडेंट को। मित्रों, पिछले 50 साल में इतना बड़ा काम नहीं हुआ है, क्यों? गांव के गरीब परिवार के बच्चों को उनकी शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए, यह काम हमने निर्णय किया है। एक तीसरा काम भी मैं आज घोषणा करना चाहता हूं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी बजट में 100 करोड़ रुपया डाल दिए हैं, यानी ये मैं कागज नहीं बांट रहा हूं, ये जो काम कर रहा हूं इसकी खबर दे रहा हूं आपको। और एक तीसरा काम भी मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से गुजरात विकास की यात्रा में आगे बढ़ रहा है, हमारी माताएं बहनें नौजवान बेटियां
वे भी गुजरात की विकास यात्रा में पुरुषों से पीछे नहीं है, नौजवानों से पीछे नहीं है। वो अपना घर छोड़ के, गांव छोड़ करके उद्योग धंधों में नौकरी करने जा रही है, काम करने जा रही है, लेकिन उन बच्चियों के लिए रहने की कठिनाई होती है। गांव तो छोड़ने को तैयार है, शहर में जान करके कारखाने में एक पुरुष के बराबर अपना दायित्व निभाने का सामर्थ्य है, लेकिन रहने के लिए प्रबंध नहीं है। भाइयों बहनों, ये प्रगति की निशानी है, उसके लिए आवश्यकताएं खड़ी करनी पड़ती हैं। ये मेरी नौजवान बेटियां जो अब नौकरी के लिए घर छोड़ करके बाहर निकली हैं, उनके लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल का नेटवर्क खड़ा किया जाएगा और 10,000 ऐसी नौजवान बेटियां रह सके और जो कुछ न कुछ कमाती धमाती है, 10,000 लोगों की व्यवस्था वाले हॉस्टल का नेटवर्क जहां जहां उद्योगों की संभावना है उद्योग नजदीक में खड़ा किया जाएगा, ताकि ये बेटियां भी गुजरात के विकास में सक्रिय भागीदार बने और प्रगति की ओर आगे बढ़े। नौजवान मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए थे 1893 में, 1893, और भाइयों बहनों, मेरा एक सौभाग्य रहा है, मैं बचपन से विवेकानंद के प्रति आकर्षित रहा हूं। मेरे मन मंदिर पर विवेकानंद जी का बड़ा प्रभाव रहता है। 1993 जब विवेकानंद जी के उस भाषण के 100 साल हुए थे, तो अमेरिका में उसका शताब्दी समारोह मनाया गया था, और ये मेरा सौभाग्य था कि उस नरेंद्र के उस भाषण की शताब्दी के समारोह में, शिकागो के उस समारोह के अंदर जाने का मुझे सौभाग्य मिला था। और उस भाषण का क्या प्रभाव था, वो उस समारोह के अंदर 100 साल के बाद भी अनुभव किया जा रहा था। भाइयों बहनों, आजकल नेता अमेरिका जाते हैं तो क्या करके आते हैं? विवेकानंद जी गए तो क्या करके आए? देश का गौरव बढ़ा के आए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जवाब दोगे दोस्तों? क्या ये गांधी का गुजरात है? ये महात्मा गांधी का गुजरात है? ये सरदार पटेल का गुजरात है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती का गुजरात है? पक्का? पक्का? और कोई कहे रावण का गुजरात है तो आपको कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा? ये गांधी का अपमान है, ये सरदार पटेल का अपमान है, ये महर्षि दयानंद सरस्वती का अपमान है कि गुजरात को इस प्रकार से विदेश की धरती पर जाकर के अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए गुजरात को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। ये दुर्भाग्य है देश का। भाइयों बहनों, कल प्रधानमंत्री ने जो निर्णय किए हैं, ये निर्णय चौंकाने वाले हैं। अब किराना कौन बेचेगा? विदेशी लोग। चाय कौन बेचेगा? विदेशी। चावल कौन बेचेगा? विदेशी। गेहूं कौन बेचेगा? हल्दी कौन बेचेगा? मिर्ची कौन बेचेगा? इसके लिए विदेशियों के लिए दरवाजे खोल दिए, हमारे देश के छोटे छोटे व्यापारियों की दुकानों पर ताले लग जाएंगे। मित्रों, ये निर्णय दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने किया है। दूसरा निर्णय किया है मल्टी ब्रांड, उसके लिए भी उन्होंने दरवाजे खोल दिए हैं। आप कल्पना कर सकते हो कि भावनगर के अंदर अगर 2-4 कारीगर हैं, वो बेचारे छाता बनाते हैं और छाता बना करके बेचते हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है। अगर विदेश से चाइनीज बनावट का छाता यहां आ गया, तो यहां जो छाता बनाता है वो बिकेगा? उसकी कारखाना चलेगा? उसके यहां नौकरी करने वाले 5-15 लोगों को रोजगारी जाएगी? बताइए, ये निर्णय हुआ है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री के कल के निर्णय के कारण छोटे छोटे कारखाने बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो जो उत्पादन करते हैं उससे सस्ती चीजें
दुनिया के देश यहां पटक देंगे और यहां का माल बिकेगा नहीं, वो कारखाने बंद हो जाएंगे और नौजवान आप लोग बेरोजगार हो जाओगे, आपको तलाशने पर भी कहीं पर नौकरी नहीं मिलेगी। ये पाप उन्होंने किया है। और दूसरा, किराने के व्यापार में विदेश को लाकर के छोटे छोटे किराने के व्यापारियों की दुकानों को ताला लगा दिया गया है। और प्रधानमंत्री, पिछले 8 साल में मैंने प्रधानमंत्री को रीढ़ की हड्डी ऊंची करके थोड़ा सर खड़ा करके बोलते हुए देखा, 2 बार, सिर्फ 8 साल में 2 बार, और वो भी मीडिया ने भी लिखा मनमोहन सिंह सिंगम हो गए, सिंगम। वो 2 कौन सी घटनाएं हैं? एक बार जब अमेरिका के साथ न्यूक्लियर की ट्रीटी कर रहे थे और उनके सारे साथी दल विरोध कर रहे थे, जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो वो कहते हैं कि एक कोएलिशन का धर्म मुझे मजबूर करता है कि मैं कुछ नहीं कर पाता हूं, ये छोटे छोटे दलों के दबाव के कारण मैं कुछ कर नहीं पाता हूं। लेकिन जब अमेरिका की ट्रीटी की बात आई तो उन्होंने कहा मेरी सरकार जानी है तो जाए, ये काम मैं करके रहूंगा। उसी प्रकार से दूसरा, वो भी विदेशियों के लिए उन्होंने किया कि अगर विदेशियों को हिंदुस्तान पर कब्जा करना है, व्यापार रोजगार पर कब्जा करना है, तो मेरे साथी दल नाराज हो जाएंगे तो भी मैं निर्णय करूंगा। और कल तो ये भी कह दिया कि कठोर फैसले लेने पड़ेंगे और हम मरेंगे तो भी लड़ते लड़ते मरेंगे। मनमोहन सिंह जी रातों रात सिंगम हो गए, मरते मरते लड़ते लड़ते मरेंगे। अरे मनमोहन सिंह जी, आपकी हड्डी में वो दम नहीं है कि आप लड़ते लड़ते मरेंगे, आपको तो बोलना चाहिए मरते मरते लड़ेंगे, मरते मरते लड़ेंगे आप। भाइयों बहनों, ये निर्णय हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए संकट पैदा करने वाला है। और मैं प्रधानमंत्री जी आपको एक तीखा सवाल पूछता हूं, आज भावनगर की पवित्र धरती पर से पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री जवाब दीजिए, ये विदेश के व्यापारियों को हिंदुस्तान में प्रवेश दे रहे हैं आप, उसमें इटली के व्यापारी कितने परसेंटेज होंगे, ये देश जानना चाहता है। देश जानना चाहता है कि इटली के कितने व्यापारी होंगे जो हिंदुस्तान में माल बेचने के लिए हिंदुस्तान के मेरे व्यापारियों की दुकानें बंद करके वो इस व्यापार का कब्जा करने वाले, ये देश जानना चाहता है। मेरे पास गंभीर सवाल है और प्रधानमंत्री का दायित्व है वो देश को जवाब दे कि कौन इटली के व्यापारियों हैं जिनको इसका लाभ मिलने वाला है, कितनी संख्या में वो इटली के व्यापारी हैं जो इसका फायदा उठाने वाले हैं, कितने इटली के व्यापारी हैं जो एफडीआई ला करके ये किराने की दुकानें चलाने के लिए यहां बैठने वाले हैं, देश जानना चाहता है। प्रधानमंत्री, आपको जवाब देना पड़ेगा। मेरे नौजवान मित्रों, दिल्ली में बैठी हुई सरकार से आपका भाग्य नहीं बदल सकता, ये देश को डुबोने वाले माहौल है। आप कल्पना कर सकते हो देश कहां जा रहा है? पहले सुनते थे सोने में चोरी हुई, पहले सुनते थे चांदी में चोरी हुई, पहले सुनते थे हीरा जवाहरात में चोरी हुई, क्या कभी सुना था कोयले में भी चोरी हो? हीरा जवरा सोने की चोरी तो गले उतरती है, कोयले की चोरी? अरे आपके घर के बाद कोयले की बोरी पड़ी होगी तो भिखारी गरीब भी वहां से गुजरेगा, कोयले को हाथ नहीं लगाएगा। ये दिल्ली की सरकार 2 लाख करोड़ रुपए के कोयले खा गई, 2 लाख करोड़ रुपए। भाइयों बहनों, देश तबाही के मंजर की ओर जा रहा है। हमने गुजरात को बचा के रखा है। मेरे नौजवान मित्रों, मैं आपके हाथ में ऐसा समृद्ध गुजरात देना चाहता हूं
मैं आपके हाथ में ऐसा सुखी गुजरात देना चाहता हूं ताकि आपके बाद की पीढ़ियां भी सुख और शांति के साथ जी सके और स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार करने के लिए हम प्रयास करते रहे। इसी एक अपेक्षा के साथ इतनी बड़ी मात्रा में इतनी शिस्त के साथ ये दृश्य अपने आप में अजब है। मैं नौजवानों को नमन करता हूं। मुझे गर्व होता है कि मेरे गुजरात के पास ऐसी युवा शक्ति है, शिस्त है, अनुशासन है, जज्बा भी है। भाइयों बहनों, आप ही इस देश की आने वाली कल है, आप ही गुजरात की आने वाली कल है, ये मेरा भरोसा है। आइए स्वामी विवेकानंद जी के सामने खड़े होकर के मन में संकल्प लेकर के हम भी गुजरात के लिए कुछ करेंगे, हम भी दरिद्र नारायण के लिए कुछ करेंगे, हम भी समाज के लिए कुछ करेंगे, उस सपनों को लेकर के आगे बढ़े। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोस्तों ऐसे नहीं, नौजवान भारत मां की जय बोले शिकागो तक पता चलना चाहिए कि हमारे वीर पुरुष को भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गुजरात राज्य मान्य मुख्यमंत्री श्री